हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद एन टुडे सेशन ऑन बैंक निफ्टी पे चर्चा। आज हम वीकली लेवल्स और साथ ही साथ जो हमारा मंडे का जो व्यू बन के आ रहा है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से मार्केट का वीकली में जैसे जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है उसके हाई के में जो ऑल टाइम हाई के आसपास जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है काफ़ी फास्ट और काफ़ी जल्दी हुआ है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज के चलते जो कोविड रिलेटेड इशू आ गए या फिर कोविड रिलेटेड जो केसेस बढ़ने के चलते मार्केट में काफ़ी गहरा सेल ऑफ देखने मिला हमको मार्केट में। तो जिस हिसाब से मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में जिस हिसाब कैंडल बने जा रही है उस हिसाब से शायद तक मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले, अगर नहीं लिया तो नीचे के लेवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए वो ओपन आउट हो जाते हैं। और अगर फिलहाल में अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने लगभग अपने हाई से लगभग 2000 पॉइंट का एक करेक्शन दे चुका है मार्केट ने। अभी जो इमीडिएट जो लेवल आ रही है मार्केट यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है तो जो रहेगी हमारे लिए ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मार्केट जो जिस हिसाब से मार्केट अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 4,680 के आसपास के लेवल, इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट ने इमीडिएट तौर पर अगर मार्केट का जो अभी लो बना है उस लो के आसपास उस लो के नीचे का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देता है तो हम 40,800 के लेवल मार्केट में हम देख सकते हैं राइट। अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाए तो इसके नीचे सबसे स्ट्रांग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा 40,400 का लेवल। ये डाउन साइड की रेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए एक्ट कर सकती है। अब रही बात ऊपर की, ऊपर के लिए सबसे स्ट्रांग रहेगा हमारा फिर जिसको बोलेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर ऑफिस से ट्रेड करना चालू कर दे 42,200 और 42,400 के सॉरी 42,400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमारा व्यू वापस से हम पॉजिटिव नोड की तरफ देखेंगे बैंक निफ्टी को। अगर नहीं जब तक के बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है हमारा व्यू निगेटिव की तरफ ही रहेगा राइट। तो जिस हिसाब से कैंडल बनी है जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो शायद तक मंडे का सेशन थोड़ा डाउनसाइड रह सकता है। अगर नहीं रहा तो काफ़ी अच्छी बात है, मार्केट इसी रेंज के आपको सपोर्ट ले ले और ऊपर चले जाए तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नोड माना जाएगा मार्केट के लिए। तो लेकिन अपर ऊपर ही तौर पे अगर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट वो सबसे स्ट्रांग रहेगा फिलहाल के लिए 42,000 का लेवल। अगर मार्केट 42,000 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो काफ़ी हमें ऊपर की मूवमेंट या फिर ऊपर की रेंज हमें खुलते हुए देख सकते हैं। ये तो हो गया कम्प्लीटली वीकली एनालिसिस, मींस जो मंडे का व्यू जो वीकली मेरे को जो लग रहा है व्यू लग रहा है फिलहाल मार्केट का वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अगर रही बात शॉर्टर टाइम फ्रेम में या फिर बोलूँ मैं अगर मंडे का व्यू जो बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो आप राइट। तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मार्केट ने जो इमीडिएट जो सपोर्ट था 42,000 का या फिर 42,200 का लेवल उसको ब्रेक डाउन करते मार्केट मंडे फ्राइडे के सेशन में ट्रेड कर रहा था और लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा था। इसे आप देख सकते हैं लोअर लो बनाते मार्केट नीचे जा रहा था, ये कम्प्लीटली इंडिकेशन करता है कि बेरिश मार्केट का इंडिकेशन है, मेन डाउन ट्रेंड मार्केट में फिलहाल चालू है। उस हिसाब से अगर देखो मार्केट ने जो लो बनाया लगभग 41,600 के आसपास के लेवल का लो बनाया तो मार्केट के लिए अभी इमीडिएट लेवल रहेगा हमारा यही 41,600 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है मंडे के सेशन में गैप डाउन वापस से ओपनिंग हो जाता है और 41,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर दे तो शायद हमें 41,000 तक के लेवल कमिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट को अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इमीडिएटली मार्केट को भी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेंगे लगभग रहेगा 41,850 के लेवल के आसपास। मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो 42,000 का लेवल और उसके ऊपर जाएगा 42,200 का लेवल, ये इमीडिएट तौर पे हर्डल की तरह रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट यहाँ पे। और रही बात सपोर्ट की 41,500 और 41,400 का लेवल रहेगा जो सॉरी 41,500 एंड 41,250 का लेवल 41,250 का लेवल, ये इमीडिएट तौर पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है मार्केट में। तो इस लेवल को मार्कअप मार्क करते हुए चलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम में और मंडे के हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट का भी सेंटिमेंट चल रहा है। अगर मैं ओवर डाटा की बात करें अगर ओवर डाटा की बात करूं यहाँ से भी आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो कि मार्केट में फिलहाल नेगेटिव बायस है, नेगेटिव मार्केट है, नेगेटिव सेंटिमेंट पड़ रहे हैं जिस हिसाब से कॉल रेटिंग ऐड हो रही है, इस हिसाब से कॉल रेटिंग चेंज हुआ है कि काफी नेगेटिव बायस है, नेगेटिव नोड पे इंडिकेट कर रहा है डाटा। अभी मार्केट के लिए जो फिलहाल जिस हिसाब से कॉल रेटिंग हुई है 42,000 के लेवल पे ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट
42,000 का लेवल, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए, राइट। अगर नीचे की बात करें तो 41,500, जिस हिसाब से यहाँ पे पुट रेटिंग हो बढ़ी है, तो 41,500 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो इमीडिएट तौर पर 41,000 ये लेवल बचा है जिससे सबसे ज्यादा पुट रेटर अभी फिलहाल बने हुए हैं। तो मार्केट को अगर नीचे गिर जाता है, मार्केट 41,500 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो 41,000 पे शायद हम रुक जाए, शायद वहाँ पे हम सपोर्ट बनाए। अगर नहीं, अगर इसके नीचे भी चले जाता है तो अभी इमीडिएटली फिर 40,500 का लेवल रहेगा जो पे हम सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। अब रही बात ऊपर की, ऊपर के लिए तो फिलहाल सबसे स्ट्रांग है 42,000, उसके ऊपर जाएगा तो 42,200, तो बाद में रहेगा 42,500 का लेवल। ये लेवल पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है अभी कमिंग सेशन में। तो ये लेवल काफी इम्पोर्टेंट बनते हुए आ रही है, इसको आप मार्क करते हुए चलिएगा, ये लेवल को मार्क कर लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है कमिंग सेशन के लिए। और रही बात, तो ये एक्सपायरी डिसंबर एक्सपायरी है, फिर मंथली एक्सपायरी बन के आ रही है हमारी। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करूँ, अगर उस हिसाब से अगर डाटा को अगर स्टडी करूँ, तो यहाँ पे डाटा आप देख सकते हो कि शायद मार्केट में सेंटिमेंट फिलहाल डाउनसाइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जिस हिसाब से कॉल डाटा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कॉल रेटिंग बढ़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप ये रहा 42,000 का लेवल, अभी भी यहाँ पे भी देख सकते हो जनवरी के एक्सपायरी का काफी अच्छा डाटा बना है, मीन्स काफी अच्छी कॉल रेटिंग हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी कमिंग सेशन में, 42,000 का लेवल। जब तक ये मार्केट इसके ऊपर ट्रेड ना करे, तब तक के हमारा व्यू बायस निगेटिव की तरफ ही रहेगा। और रही बात सपोर्ट की, जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी की एक्सपायरी है, तभी भी उसमें देखो कच्चे अच्छी खासी पुट रेटिंग हो रखी है, 41,500 का लेवल, ये इमीडिएट तौर पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अभी कमिंग सेशन तक। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कमिंग सेशन के लिए, इस लेवल को मार्क करते हुए चलेगा। तो इंपॉर्टेंट जो मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मार्केट सपोर्ट लेते हुए देखेगा आपको 41,500 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे अगर मार्केट चले जाता है तो 41,250 का लेवल, और उसके नीचे 41,000 का लेवल, ये मंडे के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और रही बात रेजिस्टेंस की, मार्केट फेस कर सकता है 41,850, 41,000, और उसके ऊपर मार्केट चले जाए तो 42,200 का लेवल, ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, इस लेवल को मार्क करते हुए चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और साथ ही साथ मैंने आपको कई बार बताया भी है प्रीवियस सेशन में भी आपको, कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, जो कम्प्लीटली फ्री है और एजुकेशनल पर्पज है। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी मैं रेगुलर बेसिस पे कॉल्स या फिर जो भी हमारा न्यूज़ होता है या फिर अपडेट होता है मार्केट रिलेटेड, मैं वहाँ पे पोस्ट आउट करता हूँ, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको रेफर करते हुए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे कोई भी चार्ट का ब्रेकआउट रहता है या फिर कोई भी हमें पैटर्न आइडेंटिफाई होता है, वहाँ पे मैं पोस्ट आउट करता हूँ, आप उस पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए अपने सेटअप के फॉलो करते हुए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो डैट्स इट, जस्ट डू फॉलो अस एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट, एंड थैंक यू, लेट्स सी ऑन मंडे व्हाट्स हैपन।